तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग बाय कृष्णा फ्रॉम द्विजा गेमिंग। तो आप लोग सब कैसे हैं? होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो जो लोग स्ट्रीम पे आते हैं उनको पता था कि हमने एक माउस लिया था, रेजर वाइपर, ठीक है। तो मैं सोचा क्यों ना अनबॉक्सिंग किया जाए उसका और थोड़ा उसका प्रोज एंड कॉन्स बता दिया जाए, क्योंकि यू नो देर आर फ्यू अनबॉक्सर्स ऑन YouTube who just do unboxing and just leave it at there, ठीक है। हम तो हम डेली यूज़ करते हैं, हमको पता है हमारे हाथों में जो हम स्ट्रीम पर बैठते हैं 3-4 घंटे वो हमारे हाथों में रहता है, एंड आई वुड डेफिनेटली नो हाउ इट इज़ एंड हाउ इट वुड बी राइट ओवर टाइम। सो आई थॉट वाई नॉट डू एन अनबॉक्सिंग एंड ऑल्सो टेल यू वट आर द बेनिफिट्स ओवर अ बेसिक माउस, एंड ऑल्सो मे बी इन फ्यूचर इफ टाइम परमिट्स विल डू अनदर वीडियो ऑन हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, ठीक है। सो या लेट्स डू द अनबॉक्सिंग एंड देन यू नो आई विल शेयर यू सम बेनिफिट्स ऑफ इट एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने रेजर वाइपर लिया था, मेरा बजट था तब उस समय 5,000 कुछ, बट हमको ये मिला 5,600 में, बट आई थिंक 5,600 एक्स्ट्रा 600 आई स्पेंट वुड हैव बीन फॉर अ गुड कॉज, बिकॉज यू नो द थिंग इज दैट रेजर इतने सस्ते दाम में मिलना इज़ अ यू नो ग्रेट डील एक्चुअली राइट। और इसका एक्चुअल प्राइस है 8,000 कुछ 9,000 के आसपास में, और मैं ये अमेजोन से लिया और आई थिंक द सेल इज़ स्टिल ऑन, आप एक बार देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है। और मैं ये माउस स्पेसिफिकली इसीलिए लिया क्योंकि रेजर एज यू नो इज़ अ वेल नोन ब्रांड इन गेमिंग वर्ल्ड, और मेरे को बहुत सारे सजेशंस आए थे रेजर का लो, ग्लोरियस का लो, या तो लॉजिटेक का लो। लॉजिटेक का तो बहुत सारा सजेशंस आए थे, बट मैंने पर्सनली रेजर ट्राई करना चाहता था क्योंकि आई हैव बीन नोइंग रेजर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है। आई डोंट नो व्हेन लॉजिटेक हैज़ एंटर्ड गेमिंग स्पेस, यू आर मेकिंग गेमिंग पेरिफेरल्स, बट रेजर हैज़ बीन मेकिंग इट सिंस लॉन्ग, एंड आई ऑल्सो नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ रेजर बिकॉज वो बहुत ड्यूरेबल रहता है। तो ये माउस 16,000 DPI ऑफर करता है, एज यू नो द मोर द DPI इट ऑफर्स द बेटर, द फास्टर वुड बी इट्स मोमेंट vis-a-vis द मोमेंट ऑफ द माउस दैट यूर डूइंग फिजिकली राइट, और द क्रॉस हेयर मोमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम FPS गेम्स यूज स्ट्रीम करते यूजली खेलते हैं, तो वाई नॉट हायर DPI माउस वॉज द मेन इंटेंशन इन माई माइंड, तो इसीलिए ये लिया। और स्पेसिफिकली इन डिटेल एक एक का देखेंगे हम अनबॉक्सिंग करने के बाद, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट ईच ऑफ द यू नो स्पेक्स ऑफ द माउस वुड लुक लाइक, ठीक है। चलिए पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वो डब्बा जो हमें आया है, इसमें माउस है। तो बेसिकली ये फ्रंट फेस पे बेसिक वो माउस का ग्राफिक है, ठीक है। और ये रेजर वाइपर एंड देन 5G ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी सेंसर, ये सब है। और यहाँ पे MIBR का जो क्लान था वो लोग ई स्पोर्ट्स में ये इस्तेमाल किए थे, CSGO में स्पेसिफिकली। तो उस बंदे का एक कोट है, वाई ही चोज रेजर वाइपर एंड व्हाट मेड हिम डू बाय चूजिंग दिस स्पेसिफिक माउस, ठीक है। और यहाँ पे उसका फीचर्स है माउस का, ठीक है। ये माउस हमको इसमें 8 प्रोग्रामेबल बटन्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल एक्चुएशन का सेंसर वो जो टेक्नोलॉजी है वो आता है, ठीक है। और इसमें वो स्पीड फ्लेक्स केबल है, वो ब्रेडेड केबल जो है वो बहुत तगड़ा क्वालिटी का, ठीक है। और यहाँ पे है 2 ईयर का वारंटी, ठीक है। और यहाँ पे वो प्राइस पूरा डिटेल्स है, दिस इज़ मेड इन चाइना राइट। यहाँ पे ऑल दोज ई स्पोर्ट्स जिन्होंने ये पर्टिकुलर रेजर का स्पॉन्सरशिप लिया और उनका ये जो स्पेसिफिक माउस यूज़ किए थे वो पूरा उनका लोगो डिटेल्स है और डिटेल्स है उनका। और हाँ, चलिए अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं, हमारा कारम्बेट खोल लेते हैं। आपको पता है क्या है? पता नहीं है तो बोल दूँगा, पूछिए कमेंट्स में, आपको अच्छा लगा तो दे देंगे हम। ठीक है, ये हो गया, हम खोलिए। लेट्स पुल दिस आउट बैड बॉय। वाओ वाओ, तो पहला ये दिखा जाए, ये तो यूज़र मैनुअल है वाइपर का। वाइपर का सील लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर गेमर्स बाय गेमर्स, वाह कैसा कोट है यार, मस्त लगा, ठीक है। अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल, ये CEO का लेटर है ये, ठीक है।
और ये है रेजर वाइपर का मैनुअल बेसिकली। और हाँ, ये हमारा ये जो स्टिकर्स भेजा ही है, हम ये CPU पे डाल लेते हैं, बहुत अच्छा है। ये तो रेजर का लोगो है यहाँ पे, फॉर गेमर्स बाय गेमर्स, और क्रोमा का पार्ट बाय क्रोमा का दो स्टिकर है, स्टिकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। और चलिए अभी लेट्स कम टू द फाइनल बिट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अनबॉक्सिंग। ठीक है, माउस आगे डाल के ये केबल जो रहता है वो पीछे की दिया है, और केबल जो केबल का जो USB रहता है उसका भी एक कैप दिया है वो, सो दैट टू प्रोटेक्ट यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम डैमेज, राइट। तो मैं ये खोल लेता हूँ धीरे धीरे से। चलो हम खोलिए ये। ओके, ये सब साइड में डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा फाइनल माउस। ये देखें, ये मस्त, ये छोटा जो रबर जैसा दिया ये होल्डर वायर को एंटैंगलमेंट से बचाएगा। ठीक है, और ये तो बहुत लाइट है, मैं आपको बोला भूल गया, दिस इज 70 grams, ये माउस का वेट है 70 grams। ठीक है, तो आगे का जो डिटेल्स है इसका माउस का हम बाकी वीडियो में देख लेते हैं। ये 16,000 DPI माउस है, मैं आपको बोला था ऑलरेडी। तो द मोर द DPI द बेटर वुड बी द मूवमेंट vis-a-vis द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द माउस। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मी टू यू नो गेट दिस माउस इज दैट ये 69 ग्राम्स का ही है वेट, राइट, वर्सेस माई प्रीवियस माउस विच इज दिस। इफ यू कैन सी वॉट दिस इज, आई एम नॉट गोना टेक द ब्रांड नेम हियर, दिस वेट मी अराउंड 170 to 175 grams, वो बहुत भारी था। मैं जो अभी ये खोल के हाथ में पकड़ा हूँ बहुत हल्का यार, सो दिस विल लेट यू एम वेल एंड शूट वेल, बिकॉज इट्स सो लाइट ऑन योर इन योर हैंड्स, यू नो यू कुड प्ले बेटर, यू कैन शूट बेटर। ठीक है, तो दैट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट। तो थर्ड थिंग ये है, ये माउस में जो बहुत अच्छा फीचर है वो DPI मेमोरी जो है, DPI जो है सेटिंग्स, इसका इनबिल्ट मेमोरी है इसमें, तो इसमें स्टोर हो सकता है। तो जो आपका सेटिंग्स होगा DPI सेटिंग्स, ठीक है, वो ऑन बोर्ड DPI स्टोरेज हो गया। द फोर्थ थिंग इज दैट रेजर का ऑप्टिकल 5G ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिकल सेंसर्स आउट देयर इन द मार्केट। तो ये इसमें है, तो और क्या चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये 1.5 मीटर्स का ब्रेडेड केबल है, ठीक है, वो उस केबल को ये बोलते हैं ये लोग स्पीड फ्लेक्स केबल, रेजर यू नो प्रोप्राइटरी स्पीड फ्लेक्स केबल फॉर मिनिमम ड्रैग एंड स्मूथ कंट्रोल। सो ऑब्वियसली केबल अच्छा है, तगड़ा है और बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लाइक एनी अदर गुड क्वालिटी माउस, विच इज़ वन वेरी गुड फीचर दैट वन लुक्स एट, राइट। और ड्यूरेबिलिटी जो है, जो मैंने रिसर्च करा था थोड़ा पहले लेने से पहले, तो रेजर दिस स्पेसिफिक माउस वुड सपोर्ट अराउंड 70 मिलियन क्लिक्स वर्सेस अ नॉर्मल माउस। नॉर्मल माउस ले लो, किसी और कंपनी का गेमिंग माउस भी ले लो, वो खाली 50,000 क्लिक्स ही सपोर्ट करता है कहते हैं। सो 70 मिलियन वर्सेस 50 मिलियन इज़ अ वेरी गुड डिफरेंस ऑफ व्हाट यू आर स्पेंडिंग वर्सेस व्हाट यू आर गेटिंग, राइट। एंड देन ये तो आपको ऑलरेडी बोल दिया हूँ मैं, डिब्बा पे 2 ईयर वारंटी का ये है, तो ये 2 ईयर वारंटी है, और ये वारंटी जो है आपको सिटीज में मिल जाएगा। मेरे को थोड़ा सजेशंस मिले कि यार रेजर मत लो, क्योंकि वारंटी सपोर्ट और सर्विस का, आफ्टर सेल सर्विस का कुछ इश्यू होगा तुम्हारे को। पर सीन क्या है कि यार मैं हैदराबाद से हूँ, आपको बताया है, और हैदराबाद में तो आई नो पीपल हु सर्विस इट, एंड देन द सर्विसिंग एंड सपोर्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ऑल दोज मेजर मेट्रोस आउट देयर इन इंडिया। सो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मी एंड फॉर यू पीपल हु हेल फ्रॉम दीज यू नो मेजर सिटीज, राइट। द नेक्स्ट एस्पेक्ट है, ये एम्बीडेक्स्ट्रस माउस है, यू नो इवन इफ यू आर अ लेफ्टी और अ राइटी, यू नो इट्स इक्वली सिमेट्रिक, जो आप लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ पे
it's both are symmetric. So basically you have two keys here, you have two buttons here, and then you have 1, 2, 3, and 4 bus. ठीक है, हो गया. सो यू हैव टोटल 8 बटन्स, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मैंने देखा हूँ ये स्क्रोल व्हील जो है बहुत तगड़ा क्वालिटी का है यार. इतना तो मतलब तुम वेपन्स चेंज करने में लगाते हो, हर बार ये दबाते रहते हो और कुछ डॉक्यूमेंट स्क्रोल करना है और क्लिक करना है स्क्रोल से, ये सब हो जाता है यार, बहुत तगड़ा क्वालिटी का. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वन फाइनल थिंग विच आई फॉरगॉट इज़ दैट ये जो RGB का कलर है यार, दिस कम्स विथ रेजर क्रोमा टेक्नोलॉजी, राइट? सो ये आप प्रोग्राम कर सकते हो सॉफ्टवेयर से. यू कैन सेट द कलर्स, यू कैन सेट द टाइमर ऑफ ईच ऑफ द कलर्स टू चेंज एंड एट्सेट्रा. सो ये तो बहुत अच्छा फीचर है यार. ये अपना सेटअप का कुछ कलर है तो तुम ये उसके हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है. एंड द फाइनल वन थिंग इज दैट मेरा हाथ तो थोड़ा मीडियम से लार्ज साइज में है, तो ऑब्वियसली दिस माउस वुड सेट फॉर एवरी वन हु हैज देयर हैंड्स फ्रॉम मीडियम टू लार्ज साइज, ठीक है. शॉर्ट हैंड्स वाले मत यूज करना, यू हैव वाइपर मिनी फॉर दैट, ठीक है, और यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दैट, बट दिस इज अ वेरी गुड माउस फॉर पीपल हु हैव मीडियम टू लॉन्ग हैंड साइज, ठीक है. और लास्ट पॉइंट जो है ये जो साइज, हाथ साइज का बात किया जाए तो मैं तो पाम ग्रिप यूज करता हूँ बेसिकली. दिस इज हाउ आई कैच माई माउस, ठीक है. तो बेसिकली मेरा तो बहुत तगड़ा सेट हो रहा है. और जो लोग मीडियम से लॉन्ग हैंड साइजेस है, वो लोग जो लोग क्लॉ यूज़ करते हैं उन लोगों को भी आ जाएगा. क्लॉ यूजुअली ऐसा रहता है, ठीक है, और उन लोगों को भी आ जाएगा, ठीक है. और आपका प्रोग्रामेबल बटन्स ये जो है, ये आसानी से आप मैनूवर कर सकते हो, ठीक है. तो एट अ हाई लेवल ये रहा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट. मेरे को तो अच्छा लगा भाई, तो दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन यार. मैं पकड़ के देखा पहली बार, खोल के आपके सामने ही खोला मैं डब्बा, और मेरा नॉर्मल माउस वर्सेस दिस माउस, ऑब्वियसली देर इज़ अ टन ऑफ डिफरेंस. धरती और आसमान के बीच में जो फ़र्क रहता है उतना फ़र्क है यार. तो आई होप माई यू नो वी गेट मोर हेड शॉट्स विद दिस ऑब्वियसली. एंड इफ टाइम परमिट्स ऑब्वियसली वी विल डू अनदर वीडियो ऑन हाउ दिस माउस इज परफॉर्मिंग एंड हाउ आई हैव गॉट अडैप्टेड टू इट एंड what are the major cons and pros again over the long run is what something I would be doing in another video, right? तो आज के लिए ये इतना ही यार. एंड एज ऑफ टोल्ड यू आई विल बी ड्रॉपिंग डाउन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ हिट मी विथ योर कमेंट्स एंड सजेशंस दैट यू हैव. और प्लीज़ माई फाइनल रिक्वेस्ट, आप ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यू नो आई बी कमिंग अप विद मेनी अदर अनबॉक्सिंग वीडियोस, यू नो टेक रिव्यूज. एंड एज यूजुअल आपको पता तो है यार, हम वैलोरेंट खेलते स्ट्रीम करते हैं हर रोज, तो वहाँ पे भी ड्रॉप डाउन कर दीजिए. थैंक यू सो मच.